ठीक है, चलो जादूगरी सीखते हैं सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन उठाते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। यही क्वेश्चन है ना। चलो कितना है x प्लस y बराबर में 5। समीकरण एक है हमारा, ठीक है। समीकरण दो क्या है, 2x माइनस 3y = 4। ये हमारा समीकरण कौन है, दो। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जादूगरी है, किसी एक को गायब कर देना, दूसरे को निकलना, फिर क्या करना, दूसरे को गायब कर देना या पहले को निकालना, ठीक है। एक्स को गायब करो वाई को निकाल लो, या वाई को गायब करो एक्स को निकाल लो, मर्जी तुम्हारी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समीकरण एक और दो क्या दोनों हमारा एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो विलोपन विधि में प्रोसेस पहला जो है वो क्या है हमारा, दोनों इक्वेशन को बराबर करना, किसी एक वेरिएबल को। जरूर नहीं कि एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाए, हम किसी एक को बराबर करेंगे। समझा गया बात को, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों में किसी एक को बराबर करेंगे, एक्स को या वाई को। बोलो किसको काटना चाहता है, किसको गायब करना चाहता है, वाई को। तो वाई को गायब करने के लिए इसके पास देखो सेकंड समीकरण में 3y है, फर्स्ट में ऐसा है क्या कुछ नहीं है ना। नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा कर देंगे प्रत्येक पद को, एक पद को नहीं, प्रत्येक पद को। बोले तो एक्स को भी वाई को भी और 5 को भी, समझा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। समीकरण किसमें, एक में। तो हमारा ये 3y हो जाएगा और ये 3y पहले से है, तो प्लस माइनस गायब। समझा गया, गायब हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे भाषा के तौर पे, या चाहो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो इनटू का साइन देके क्या 3। अब काम ये है कि इधर किए तो इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो नाटक ड्रामा के लिए हम लोग क्या कर देंगे 1, क्योंकि 1 में किसी से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका वैल्यू जितना होता है उतना ही रह जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये भाषा के तौर पे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते थे, ऐसे समीकरण एक के प्रत्येक पद, प्रत्येक पद पदों में 3 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर। ये जो भाषा हमने लिखा है अब इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो पहले 3 से तो गुणा करना पड़ेगा ना 1 में, 3 से गुणा किया x को क्या हो गया 3x, 3 को गुणा किया 5 से क्या हो गया 5y हो गया 3y और 5 से गुणा करेंगे 15 हो गया ना, रहने दो ऐसे ही। अरे 1 से गुणा करेंगे तो इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, 2x - 3y कुछ नहीं ना बिगाड़ सकते, बराबर का कितना, देखो जो साइन है उसके नीचे वही साइन होना चाहिए। यहाँ पे प्लस देखो, जो हम लोग साइन चेंज करके लिख रहे थे किसमें, बीजगणितीय भाग जो कर रहे थे अध्याय 2. दूसरे अध्याय है ना, उसी में था ना, एक चर वाले में, तो एक चर हुआ करता था, यहाँ पे डबल चर है, इसीलिए जो जिसके सामने जो साइन है वही देंगे। इसके पास प्लस है तो प्लस, इसके पास माइनस है तो माइनस, इसके पास भी प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों को योग करेंगे कितना हो जाएगा 5x। ये दोनों तो गायब हो गया, जादू देखो यही जादू है, जादू से गायब हो गया। अब यहाँ पे तो रहा ही नहीं भाई, बराबर में इधर भी योग करेंगे कितना 19। अब यहाँ से क्या कर रहा है 5 एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, इधर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, ठीक है। एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान कितना आया 19/5 आया। अब हम इसको समीकरण एक में रख ले या दो में रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर भी रखेंगे मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। चलो ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे, एक्स बराबर में 19/5
समीकरण एक में रखने पर बातें नहीं, समीकरण एक में रखने पर x को उठा लो, x प्लस में y बराबर कितना फाइव है, x का वैल्यू लेके आया पांच तो रख दो 19 बटा 5 प्लस y इक्वल टू 5 इक्वल टू प्लस करता ना इधर उधर जाएगा क्या करेगा 5 माइनस 19 बटा 5 बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 समझा, y को यहीं पे रहने देते हैं, एलसीएम दोनों का कितना 5 हो गया ना, तो 5 × 5 कितना 25, क्योंकि 5 दोनों का एलसीएम है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस का साइन है तो क्या देंगे माइनस, और इसके बट्टे में तो स्वयं 5 है, 5 से 5 गायब हो गया, बचा 1, 1 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा रिजल्ट में कोई अंतर 19 नहीं आने वाला है, 19 तो 19 ही रह जाएगा। अब y का 25 में से 19 जाएगा कितना 6 बचेगा बट्टा में कितना 5 बचा, तुम्हारे पास x का वैल्यू आया था वो कितना था 19/5 और y का 6/5, यही तुम्हारा क्या है आंसर है, समझा। अब कहानी क्या है कि बोला है दूसरी बात में भी बोला है, सवाल अभी पूरा नहीं बना है, सवाल में और भी बोला है कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कीजिए, बताइए कि आपको अधिक उपयुक्त कौन लगा, हम लोगों ने किस विधि से बनाया विलोपन। यहाँ पे एक लाइन हम लोग जो नहीं लिखे थे वो लिख लेना यहाँ पे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से या द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, विलोपन विधि से बनाए। अब तुमको अगेन किस से प्रयास करना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में तो सबको मालूम है एक को उठाओ दूसरे में रखो, हम क्या करते हैं यहाँ से एक को उठाते हैं दूसरे में रख देते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण एक, एक से समीकरण एक कौन है x प्लस y बराबर 5, x को यहीं पे छोड़ दो, y को 5 के साइड में भेज दो, 5 माइनस y समीकरण क्या बना 3, क्या लिखोगे समीकरण 3 को 2 में, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 3 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, एक में क्यों नहीं रखोगे कारण बताओ, एक से मान निकले है ना, एक से वैल्यू निकाले हैं तो एक में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे दो में रखेंगे, दो किधर है 2x - 3y = 4, तुमको क्या करना है x की जगह पे 5 - y रखना है ना, तो वो वैल्यू रखेंगे 2 को रहने दो, इधर क्या 5 - y माइनस का 3y अपने जगह पे बना हुआ है, 4 भी अपने जगह पे बना हुआ है, समझा गया बात को, गुणा कराओ 10 -2y -3y = 4, y का को 4 ही है ना, y इधर का है नहीं। अब देखो प्लस करते हैं ना, उधर जाएगा क्या करेगा माइनस, भेज दो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस का 5y देखो दोनों का दोनों माइनस में है, तो दोनों जुटेगा लेकिन साइन क्या लेगा अपना, ठीक है, जब भी माइनस और माइनस में लड़ाई होता है तो प्लस होता है, लेकिन दोनों तो साइन एक ही है ना, योग हो गया लेकिन साइन अभी भी क्या है माइनस है, अपने जगह पे बना हुआ है, इधर से 4 पहले से है और माइनस का 10 आ गया, समझा, इधर देख लो कितना माइनस का 5y बराबर -6, दोनों जगह पे माइनस है ना, कट गया गायब हो गया, y के साथ 5 गुणा कर रहा है, 6 के पास भेज दो क्या करेगा 5, अब ये दोनों में अंतर बताओ, ये भी y का वैल्यू कितना है 6/5 और ये कितना है 6/5, दोनों में कोई अंतर है, तो हमने क्या बोला कि प्रतिस्थापन बना लो या विलोपन बना लो, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी तो हमने x को y को दिखाया ना, देखो ये भी y विलोपन विधि में भी किससे आया है, कितना आया 6/5, प्रतिस्थापन में कितना आया 6/5, हम किसका वैल्यू निकालेंगे अभी x का निकालेंगे, क्योंकि ये तो y क्या है, x का निकालने के लिए क्या करोगे y का मान क्या लिखोगे y का मान समीकरण किस में 3 में, हाँ आसान है क्या, आसान है ना 3 में रखने पर, ठीक है समीकरण 3 को उठा लो
y, तुमको y का वैल्यू तो मालूम मालूम क्या? x को यहीं पे रहने दो, 5 को भी रहने दो, y का वैल्यू बोले 6/5. इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या मान सकते? मान तो मान ही सकते हो। ये देखो एलसीएम करेंगे ना फिर से, तो एलसीएम कितना? 5. किसका किसका? 1 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ना पड़ता है, कितना आएगा? 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 25 लिख दिया। ये माइनस का साइन है तो क्या लिखेंगे? माइनस 5 से 5 में भाग लगेंगे कितना? 1। और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना? 6। 25 से 6 गया कितना बचा? 19। 19 बटा में कितना है? 5। एक बात और फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे बताओ कितना है? 19/5। और यही वैल्यू देखो तो दोनों में क्या अंतर है? कोई है क्या अंतर? नहीं है। तो इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू हमने निकाला। लेकिन एक बात करें, अगर लेंथ देखी जाए तो दोनों तो मजा ही आया ना, दोनों तो बराबर लेंथ लिया। तो अब तुम अपना विचारधारा बताओ कि तुमको कौन सा ज्यादा परफेक्ट लगा, प्रतिस्थापन या विलोपन? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा समझ में आ जाए। ज्यादा क्या? ज्यादा क्या? दोनों तो बराबर ही है, प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो, दोनों ही विधि से जब आंसर हमारा बराबर आया है तो दोनों विधि आसान है ना। समझा गया? दोनों ही विधि क्या है? आसान और उपयुक्त है। वैसे अपना अपना विचार होता है ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन ये बात है कि ये विधि अच्छा है, ये विधि बुरा है, ये कहना अनुचित है, क्योंकि ये भी अपने जगह पे सही है और